Very good morning, dear students. Dear students of class 2, today we are going to start our second chapter from our NCERT English Marigold book. The name of the chapter is Haldi's Adventure. Haldi's means Haldi ek girl ka naam hai jo is samay aapko screen mein dikh rahi hogi aur adventure ka matlab hota hai hum jab koi aisa kaam karte hain jo ki bahut hi एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा हमें डर भी लगा हुआ होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं साहसिक कार्य, दैट इज़ कॉल्ड एडवेंचर. ठीक है, तो हल्दीज एडवेंचर, एक लड़की है हल्दी जिसके एडवेंचर के बारे में इसमें बताया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल शी मेट अ जिराफ. एक सुबह जब हल्दी अपने स्कूल को जा रही थी, रास्ते में उसे एक जिराफ मिला. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. Giraffe ने बहुत बड़े बड़े से चश्मा पहना हुआ था and held a book, और एक book को पकड़ा हुआ था अपने हाथ में. He smiled and said, जो giraffe था वो मुस्कुराया और उसने कहा, Good morning, Haldi. Haldi को good morning कहा. Haldi means जो ये girl दिखाई दे रही है आपको. Haldi looked up at him. Haldi ने उस जिराफ की ओर देखा. अब क्योंकि लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा, क्योंकि जिराफ़ा हम सभी को पता है ऊंचा होता है, टॉल होता है, तो उसको देखने के लिए हल्दी को अपनी नेक ऊपर करनी पड़ी. आई एम सॉरी टू स्टेयर शी सेड, उसने कहा, मैं आपको देख रही हूँ, घूर रही हूँ, स्टेयर मीन्स घूरना, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें घूर रही हूँ, पर इसका रीज़न ये है, इसका कारण ये है कि आज तक मैंने ऐसा जिराफ, तुम्हारी तरह जिराफ नहीं देखा. माई नेम इज़ स्माइली, सेड द जिराफ. जिराफ ने कहा, मेरा नाम स्माइली है. वेन एवर यू सी मी, जब भी तुम मुझे देखोगी, यू विल स्माइल, तुम स्माइल करोगी. हल्दी वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी टू. हल्दी उसकी बात को सुन के सरप्राइज यानी कि आश्चर्यजनक भी थी और खुश भी थी. देन शी रिमेम्बर्ड, तब अचानक से उसको याद आया, दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, कि अगर वो उसकी साइड ऐसे ही देखती रहेगी, उससे ऐसे ही बात करती रहेगी, तो उसको स्कूल के लिए लेट हो जाएगी. सो शी सेड टू द जिराफ, इसलिए उसने जिराफ को कहा, आई वुड लव टू टॉक टू यू, बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट. मुझे तुमसे बात करना बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगेगा भी, बट आई मस्ट रश टू स्कूल, पर मुझे स्कूल की ओर तेज से दौड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मैं लेट हो जाऊंगी स्कूल के लिए. द जिराफ सेड, जिराफ ने कहा, नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक, इफ यू क्लाइम ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, जिराफ ने उसको कहा, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी पीठ में बैठ जाओगी तो तुम लेट नहीं होंगी. इफ़ यू क्लाइम ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी पीठ में चढ़ जाओगी, आई विल रन, मैं दौड़ूंगा, सो फास्ट, बहुत तेज दौड़ूंगा, दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपने स्कूल के लिए उड़ रही हो, है ना. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, फिर जिराफ यानी कि जो स्माइली होता है उसको पूछता है, क्या तुम डेली हर दिन तुम स्कूल जाती हो. येस सेड हल्दी, हल्दी ने कहा, हाँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ ऑन मंडेज ट्यूजडेज वेडनेसडेज थर्सडेज एंड फ्राइडेज. मैं हर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे को स्कूल जाती हूँ. ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल. अब आप सभी को पता है हमारे केवीज में क्या होता है, सैटरडे को फंडे होता है ना बेटा, आप स्कूल आते तो हो लेकिन उस दिन हम लोग आपको कुछ बुक्स का या नोटबुक्स का काम नहीं कराते, हम आपको सारी प्लेइंग एक्टिविटीज़ कराते हैं, फंडे उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो सेम वैसे ही हल्दी कहती है, सैटरडे के दिन हम स्कूल में सिर्फ खेलते हैं. व्हाट डू यू डू इन स्कूल, आस्क द जिराफ, जिराफ उससे पूछता है, जिराफ ने पूछा, तुम स्कूल में क्या करते हो. आई लर्न अबाउट द स्टार्स द ट्रीज द बर्ड्स एंड द एनिमल्स. मैं स्कूल में सितारों के, तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, चिड़ियाओं के बारे में और जंगली जानवरों के बारे में सीखती हूँ. दैट इज़ गुड सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है. आई लव बुक्स टू, मुझे भी किताबें बहुत पसंद हैं.
They are lots of fun. उसमें बहुत मजा होता है. Now jump on my back. I will take you to school. अब एक काम करो, जल्दी से मेरी बैग में, मेरी पीठ में जंप करो, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा. हल्दी then jumped on the giraffe's back. उसके बाद हल्दी ने जिराफ की पीठ में उछल करके बैठ गई. And found और पाया that she could see so many things from the top. आपने देखा है ना बेटा, जब आप लोग एक बड़े से मैरी गो राउंड में बैठते हो झूले में, तो आपने देखा है आप सबसे टॉप में होते हो, बहुत ऊंचाई से आप चारों ओर की चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई देती हैं. टॉप में बैठने का जो मज़ा होता है वो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा. सेम ऐसे ही हल्दी भी इंजॉय करती है. शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप. अब वो जिराफ की पीठ में बैठ के बहुत सारी चीज़ें देख पा रही थी. एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड. इससे पहले वो और चीज़ों को समझ पाती कि वो स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच चुकी थी. शी क्लाइम्ब्ड डाउन. वो नीचे उतरी. When she turned back to thank the giraffe, जैसे ही वो पीछे मुड़ी जिराफ को धन्यवाद देने के लिए, she found that he had gone away. उसने देखा कि जब तक वो मुड़ती है पीछे, उससे पहले ही जिराफ वहाँ से जा चुका था. Oh, हल्दी thought. हल्दी ने सोचा, अरे what a wonderful adventure I have had. उसने मतलब उसे लगा, अरे वो तो जा चुका है. उसे लगा वाह, कितना मज़ेदार, वंडरफुल मतलब मज़ेदार, मज़ेदार ये जो मैंने आज साहसिक काम किया था उसमें मुझे कितना मज़ा आया. तो बच्चों कैसी लगी आपको स्टोरी? आई एम श्योर आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, है ना. हल्दी और जो ये गर्ल है हल्दी और जो जिराफ है इस्माइली नाम का, उनके बीच का जो कन्वर्जेशन है वो आपको मज़ेदार लगा ही होगा, है ना. तो चलिए अभी हम चलते हैं इसकी एक्टिविटीज़ की ओर. देखिए बेटा, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, इसमें आपको करने हैं न्यू वर्ड्स लिखने हैं. न्यू वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, उन वर्ड्स को कहते हैं जिसका प्रोनंसिएशन आपको आना ही आना चाहिए और साथ में स्पेलिंग जिसकी आपको लर्न करनी चाहिए. न्यू वर्ड से ही हम आपका डिक्टेशन टेस्ट भी लेते हैं. तो देखिए पहला वर्ड है मॉर्निंग, morning, मॉर्निंग, walked वॉकड मतलब जाना, school, स्कूल, giraffe जिराफ, glasses ग्लासेस यानी कि चश्मा, smiled स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराना, looked लुकड मतलब देखा, stare स्टेर मीन्स घूरना, लगातार देखते रहना किसी को, smiley स्माइली, स्माइली मतलब जो आदमी हमेशा मुस्कुराता रहता है, स्माइली फेस कहते हैं ना, हमेशा हंसना, whenever whenever जब भी, surprised 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 मतलब आश्चर्य, happy happy means हंसना हंसता हुआ, remembered remembered मतलब याद रखना, would would एक helping verb होती है, will की form होती है, rush rush मतलब दौड़ते हुए जाना, ride ride मतलब सवारी करना, climb climb मतलब चढ़ना, flying flying उड़ता हुआ, learn learn मतलब याद करना, समझना सीखना, birds birds animals animals मतलब जानवर, jump jump मतलब कूदना, BAC के बैक मतलब पीठ पीछे की ओर, FOUND 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 मतलब पाना पाया, KNEW new मतलब दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ KNOW know और इसका मतलब होता है जानना, किसी को जानना, RECHED reached मतलब पहुंचना, TURNED turned मतलब मुड़ना, WONDERFUL wonderful मतलब मज़ेदार, एडवेंचर adventure एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य, thought थॉट मतलब सोचना, play प्ले grounded ग्राउंड मतलब प्ले ग्राउंड मतलब खेल का मैदान. तो ये थे आपके न्यू वर्ड्स, इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है, प्रॉपर प्रोनंसिएशन करना है और इनकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, ठीक है बेटा. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी राइमिंग वर्ड्स.
राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियोस जरूर देखिएगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब स्पेलिंग सेम होने से नहीं होता है, पीछे की स्पेलिंग भी सेम होने से नहीं होता है। राइमिंग वर्ड्स मतलब जो एक राइम्स में आ जाते हैं, राइम्स मतलब एक साउंड जिनकी एक जैसी निकलती है, जैसे स्कूल, स्कूल का POOL, पूल, एक जैसा लग रहा है ना, स्कूल पूल, है ना, साउंड जिनका लास्ट का साउंड एक जैसा आ रहा है। DOWN डाउन का लिखा है मैंने, CLOWN क्लाउन, PADDLE पैडल का क्रैडल, CRADDLE क्रैडल, FLYING फ्लाइंग का क्राइंग, LOOK लुक, लुक का राइमिंग वर्ड है, BOOK बुक, BACK बैक का, RACK रैक, FOUND फाउंड, फाउंड का राइमिंग वर्ड है, ROUND राउंड, TOP टॉप, टॉप का राइमिंग वर्ड है, MOP मॉप। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने 8 राइमिंग वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें से 1-1 राइमिंग वर्ड जो हैं मैंने इसमें आप लोगों के लिए एज एन एग्जांपल सॉल्व कर दिया है। बाकी के जो दो मैंने यहाँ पे डैश बना के दिए हैं, वहाँ पे आप अपने मर्जी से अपने आप प्रैक्टिस करते हुए दो राइमिंग वर्ड्स लिखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।